दोस्तों, क्या हनी सिंह ने शैतान के साथ सच में डील बनाया था? चलिए जानते हैं। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी है 2013 की। हम सबके चहेते सुपरस्टार देसी कलाकार योयो हनी सिंह इंग्लैंड में थे। वहां लंदन में एक शूटिंग कर रहे थे। तभी शूटिंग के दौरान वहां पर एक लेडी उनसे मिलने आई। वो लेडी हनीपाजी के किसी दोस्त को जानती थी। उस लेडी ने हनीपाजी से कहा कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। तो हमारे हनीपाजी ने उनसे कहा कि जी ठीक है, चलते हैं शूटिंग खत्म करके। तो उस लेडी ने उनसे कहा कि डिनर करने चलते हैं, आपका पसंदीदा खाना खाने। दोस्तों, बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना। वहां का पुदीना चिकन हनीपाजी को बहुत पसंद है, जो कि उनके मुताबिक वो 2007 से खाते आ रहे हैं। खैर, फिर शूटिंग खत्म करके हनीपाजी उस औरत के साथ वहां के ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए। उस समय वो इंडियन रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। वहां पर बस एक गोरा बारटेंडर था, वेटर कोई नहीं था। फिर उस लेडी से उनकी बातें होने लगी। उन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑर्डर उनके सामने आ गया और वही पुदीना चिकन था जो कि हमारे हनीपाजी 2007 से बैंकॉक में खाते आ रहे हैं, क्योंकि दिखने में तो वो वही पुदीना चिकन जैसा लग रहा था। ये देखकर उनका दिमाग घूम गया। फिर उन्हें लगा कि उनके किसी यार दोस्त से पूछकर उस लेडी को इसके बारे में पता चला होगा और यहां इंतजाम किया गया है। फिर हनीपाजी ने खाकर देखा तो बिल्कुल वही टेस्ट था। वो समझ गए थे कि ये वही पुदीना चिकन है जो कि वो बैंकॉक में खाते थे। फिर क्यूरियोसिटी के चलते हनीपाजी ने उस लेडी से पूछा कि ये क्या है। तो उन लेडी ने जवाब दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ ऊपर चलिए। दोस्तों, यहां तक जो कुछ हो रहा था ये तो बस नॉर्मल चीज था, लेकिन इसके बाद जो घटा उसके बाद हनीपाजी का दुनिया देखने का परसेप्शन ही चेंज हो गया। फिर वो लेडी हनीपाजी को ऊपर ले गए। ऊपर वहां पर एक सीक्रेट डोर था जिसके पीछे था एक सैटानिक चर्च, यानी शैतान का चर्च। उस दरवाजे को खोलकर वो लेडी हनीपाजी को अंदर ले गए। उस सैटानिक चर्च उस समय बिल्कुल खाली था। हनीपाजी के मुताबिक वहां की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत ही हैवी एनर्जीज, बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिंग, ताली मारने से भी गूंज नहीं आ रही थी, जबकि वो चर्च बिल्कुल खाली था। ऐसे किसी जगह में हनीपाजी अपने लाइफ में कभी नहीं गए थे। उनके मुताबिक वहां पर पैर रखते ही उनके बॉडी पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक अजीब सा डार्क एनर्जी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे हनीपाजी ऑलरेडी सैटेनिक कल्चर और इल्यूमिनाटी कल्चर के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंक्लाइन थे। उस समय वो शैतान के प्रति थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट जरूर हो गए थे, इसीलिए जब वो वहां पर गए तो बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि किसी छोटे बच्चे की तरह चर्च के एक चेयर पे जाकर चुपचाप बैठ गए और फोटो वगैरह खींचने लगे। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ अजीब मूर्तियां बनी हुई थी जहां पर कुछ अलग तरह की एक्सप्रेशन बनी हुई थी। वो हर एक मूर्ति बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। हर एक मूर्ति में कुछ अलग तरह का सिंबल्स बने हुए थे और हर एक मूर्ति का एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। यहां तक कि कुछ मूर्तियां ऐसे भी थे जहां पर कुछ अलग तरह की हैंड सिंबल्स भी यूज किए गए हुए थे। लाल और काले पर्दे से वो सैटानिक चर्च ढका हुआ था। हर एक दीवार में, हर एक कुर्सी में, हर एक जगह पर कुछ अलग ही एनर्जी, कुछ अलग ही ज्यादा नेगेटिव वाइब थी, बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिंग, एक डार्क एनर्जी जो उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हनीपाजी उस सैटनिक चर्च के एनर्जीज को महसूस कर ही रहे थे कि तभी उस लेडी ने उनसे पूछा कि आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो। तो हनीपाजी ने कहा कि मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा। फिर उस लेडी ने उन्हें ऑफर दिया उनके साथ जुड़ने का। हनीपाजी तब समझ गए थे ये उन्हें करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के तौर पर
ये ठीक है। दोस्तों हनी पाजी ने वहां के एक कुर्सी में बैठकर एक फोटो भी खिंचवाया था जो कि उन्होंने उस वक्त फेसबुक पर अपलोड किया था, और एक घंटे के अंदर अंदर ही वो फोटो डिलीट करना पड़ा। इस घटना के बाद से ही ये रूमर्स फैल गया कि हनी सिंह ने शैतान के साथ एक डील बनाया है जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिला, और कोई कोई तो उनको इल्यूमिनाटी के साथ भी जोड़कर देखने लगे। सैटनिक चर्च के इस इंसिडेंट के बाद हनी पाजी इल्यूमिनाटी और सैटनिक कल्चर के बारे में रिसर्च जरूर करने लगे, लेकिन वो कभी उस तरफ गए नहीं, क्योंकि भगवान ने उनके अंदर जो जोत जगाई थी भक्ति की, उन्होंने उनको संभाल लिया। तो ये था दोस्तों यो-यो हनी सिंह के साथ घटी एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट, और ये स्टोरी हनी पाजी ने खुद द रणवीर शो में कहा था। आप चाहे तो रणवीर शो का वो एपिसोड भी जरूर देख सकते हैं। दोस्तों शैतान कौन है और कितने तरह के शैतान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इन सब की जानकारी अगर आपको फ्यूचर वीडियोस में चाहिए तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों ऐसे सेलिब्रिटी हॉरर स्टोरीज मैं फ्यूचर में भी इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। बाकी अगर आप भी मेरी तरह बचपन से यो-यो हनी सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है, और कमेंट करें आपका फेवरेट यो-यो हनी सिंह का सॉन्ग। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स में आप जरूर बताइए अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट या हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है। मैं फ्यूचर में किसी वीडियो में आपकी स्टोरीज भी जरूर फीचर करूंगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।